हेलो एंड हाय ओडिशा मु बादल आपन को स्वागत करुची आपनकर आमर प्रिय ओडिया रीडर्स यूट्यूब चैनल को जो थिरे कि आमे प्रत्येक दिन किछि ना किछि नुवा सिखिताउ। तो आज जो क्लास टी हो सेटा हो आमर करंट अफेयर्स उपरे जहारो किछि दिन धरी क्लासेस गुडी को बंद थिला। मोर किछि फैमिली प्रॉब्लम जो सेगुडा को बंद थिला आउ जेगुडा को भी हेइछि तारो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दिया जाइछि आपन जाइकि सेगुडा को चेक करि पारिबे। आजिकार प्रथम क्वेश्चन दे होछि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट अनाउंस फॉर क्रिएशन ऑफ ए न्यू मिनिस्ट्री नेम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ऑन July 6, 2021। व्हाट इज द सेकेंड मिनिस्ट्री दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय मोदी गवर्नमेंट। ताले कौन कौन मोदी गवर्नमेंट कौन कर जुलाई सिक्स ना गोटे मिनिस्ट्री नुआ मिनिस्ट्री तैयारी कर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ताले एही भोलिया आउ गोटे कौन मिनिस्ट्री जहाँ आमर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को द्वारा नुआ लॉन्च करा जाइतिला सेइटा होची हमरो जलशक्ति मिनिस्ट्री। एही जलशक्ति मिनिस्ट्री को मध्य आमर मोदी गवर्नमेंट को द्वारा तयारी करा जाइतिला। ताले देखंतु एही आमर जलशक्ति मिनिस्ट्री सेइटा जो हेगला जलशक्ति को दुटा आमर मिनिस्ट्री को कंबाइन करके तयारी करा जाइतिला सेइटा होची वाटर रिसोर्सेस रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजनोवेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन मिनिस्ट्री। एही दुटा मिनिस्ट्री को मर्ज करके आमर जलशक्ति मिनिस्ट्री तैयारी करा जाइतिला। सेकेंड क्वेश्चन टी होची रिसेंटली मत्स्य सेतु आप इज लॉन्च बाय व्हिच मिनिस्टर। ताले कौन कहूँ एही मत्स्य सेतु आप टी को वर्तमान कौ मिनिस्टर लॉन्च करिसेंती से होचंती आमर मिनिस्ट्रीज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डायरीज एंड फिशरीज। एही व्यक्ति जनक द्वारा बा एही मिनिस्टर द्वारा आमर मत्स्य सेतु आप टी को लॉन्च करा जाइछि। ताले एही जो ऐप टी को लॉन्च करा गला सेटा कहा द्वारा लॉन्च करा जाइछि सेटा आमरो ICAR माने इंडियन एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट एवं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जहारो हेडक्वार्टर होछि भुवनेश्वर ताहांको सहायता रे एही ऐप टी को तयारी करा जाइछि। आउ एही ऐप टी रो काम कोन रहइबो ना एही ऐप टी आमको डिजिटल कोर्स प्रोवाइड करइबो को लोक मानको ना जो माने कि आमरो एक्वाकल्चर उपरे किसी काम करने को चाहती मत्स्यचाषी मत्स्यचाष करने चाहती से मानक गोटे डिजिटल कोर्स प्रोवाइड कर मत्स्य सेतु आप टी। परवर्ती क्वेश्चन देखूँ व्हिच मेट्रो रिसेंटली अनाउंस टू लॉन्च इंडिया फास्ट UPI बेस्ड कैशलेस पार्किंग। माने भारतर क्यों मेट्रोटी वर्तमान कौन कर ना UPI रे तार पार्किंग व्यवस्था को संभाड़ी ताले सेटा होची आमर ऑप्शन सी दिल्ली मेट्रो। आउ दिल्ली रे एबे सरकार अछंती केजरीवाल। ताले देखंतु एही UPI बेस्ड जिनसोटी कोन ना एही UPI बेस्ड जिनसोटी होची आपण कोन करिवे ना जे कोनसी आमर ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन जे पर रहिची पेटीएम हेगला किंबा अमेजन पे हेगला किंबा फोन पे हेगला आपण सेठिकार जो फास्टैग जो जिनसोटा आसी सेटा को स्कैन कर देला परे आपण को जदि फास्टैग हाईवे पाई जदि एप्लीकेबल अछि आपण जदि हाईवे रे टोल गेट रे फास्टैग रे पेमेंट करछंती ताले सेटा जिनसोटा को स्कैन करके आपण पेमेंट करि परिबे। आउ एहा द्वारा होबो कोन ना एहा द्वारा जो आमर एंट्री एग्जिट अछि सेटा रे कोन होबो ना पार्किंग जेतकि बेर कोला बेले कम टाइम भितरे सब जिनस सुरखुर रहि परिबो नहले ट्रैफिक जाम होइ जाय ना भिड़ होइ जाय। तो एही जिनसोटा देखंतु एही जो पिक्चर देखि पारथुबे एमती करा होबो एवं आपण एठी स्कैन कर देकि स्कैन करके पेमेंट कला कर सारा पर आपण एही गेट टी जो अछि गेट टी खोल जिवो आपण जाइकि पार्क करि परिबे। तबर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन टी होची लीजेंडरी बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार रिसेंटली पास्ट हुए व्हाट इज द रियल नेम ऑफ दिलीप कुमार। ताले कौन कौन देखंतु आमर माने देखंतु बहुत दुखद कथा। तो देखंतु लीजेंडरी बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार देहांत हो जाइछि से तांकर नाटी कौन थिला रियल नाटी कौन थिला तांकर रियल नाटी थिला आपनकर मने रखिबे मोहम्मद युसुफ खान। कौन मोहम्मद युसुफ खान तांकर रियल नाटी थिला मोहम्मद युसुफ खान। आउ जो माने भी दिलीप कुमार को जानी नांती आपन ए फोटो रे देखंतु एही जो दिलीप कुमार हे गले आपन तांको गीतटी सुनिसिबे बोधे मते जहा लागुची आपन ए गीतटी सुनिसंती ए जो गीतटी सुनिसंती आपन जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले ओ जिंद मेरी ए। ए जो गीतटी सुनिसंती आपन एटा होची तांकर ए जो आमर ए जो हेगले ना दिलीप कुमार तांकर गीतर गुटे तांको सिनेमार गोटे गीतटा तांको ना थिला मोहम्मद युसुफ खान। आउ सेठे तांको आम बॉलीवुड रे कोन डका जाउतला तांको डका जाउतला ट्रेजेडी किंग। आउ तांकर फर्स्ट फिल्म टी थिला जवार भट्ट। आउ सेटा पई से फेमस हे नथिले से फेमस हे थिले अंदाज पई ए अंदाज सिनेमा पई से फेमस हे थिले से वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रे भी
ମାନେ ମାନେ ହାଏଷ୍ଟ ଆମର ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବାରେ ହାଏଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏହି ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ ଖାନ୍। ଆଉ ସେ 8 ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ପାଇଛନ୍ତି 1 ଫର୍ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ଆଉ ସେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯିଏ ଯେଉଁ ଜିତିଥିଲେ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ଼ଟି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଦାଗ ସିନେମା ପାଇଁ ଯାଇ ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି, ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ CEO ଅଫ୍ କ୍ରାଉଡ଼ ସୋର୍ସଡ୍ ନେଭିଗେସନ୍ ଆପ୍ ୱେଜ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ଆପ୍ଟିର ନାଁ ହେଉଛି ୱେଜ୍। ଏହି ୱେଜ୍ ଆପ୍ଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ CEOକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ସେଇ CEO ଜଣକ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନେହା ପାରିକ। କିଏ ନେହା ପାରିକ? ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତୀୟ କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନାଭିଗେସନ୍ ଆପ୍ ୱେଜ୍, ମାନେ ଗୁଗୁଲ ଭଳିଆ, ଗୁଗୁଲ ଯେଉଁ ଆମର ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ ହୋଇଗଲା ତା ଭଳିଆ ଏଇ ନାଭିଗେସନ୍ ଆପ୍ଟି ହେଉଛି ୱେଜ୍। ତା'ର ଏବେ CEO ପଦବୀରେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରାଉଡ଼ ବେସ୍ଡ ନାଭିଗେସନ୍ ଆପ୍ ଦେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ GPS ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନ୍ 56 ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଏଇ ୱେଜ୍ ଆପ୍ଟି ଗୋଟେ କ୍ଲାଉଡ଼ ବେସ୍ଡ ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯିଏକି 56 ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ରେ ଆମକୁ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଏ। ସେ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଏବଂ ଏଇ ମହାନ ମହିୟସୀ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନେହା ପାରିକ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେଠିକାର CEO କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲଞ୍ଚେସ୍ ପୋଷ୍ଟପେଡ଼୍ ମିନି ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ସ୍ମଲ୍ ଟିକେଟ୍ସ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋନ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟପେଡ଼୍ ମିନି କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି? ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପେଟିଏମ୍ ଦ୍ୱାରା। କାହାଦ୍ୱାରା? ପେଟିଏମ୍ ଦ୍ୱାରା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟପେଡ଼୍ ମିନି ପୋଷ୍ଟପେଡ଼୍ ଟୋକେନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯିବ ନା, ଆପଣ ସେଠୁ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। କେତେରୁ କେତେ ଭିତରେ? ନା 250 ଟଙ୍କାରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ନା 30 ଦିନ ଭିତରେ। 30 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଚାର୍ଜେସ୍, ମାନେ 0% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଫେରସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ନା, ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ପେଣ୍ଡେମିକ୍ରେ ଯେତିକି ସବୁ ଲୋକମାନେ ରେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍ ହୋଇଗଲା, DTH ରିଚାର୍ଜ ହୋଇଗଲା, ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ହୋଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହୋଇପାରୁନି ସେଇଟାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ପେଟିଏମ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। କାହା କୋଲାବରେସନ୍ରେ? ନା ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍ର କୋଲାବରେସନ୍ରେ। ଆଉ ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ନୋଏଡ଼ା UPରେ, ଯାହାକି 2009 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ କୁଇଜ୍ଟି ହେଉଛି ଆଜିକାର ଆପଣଙ୍କର କୁଇଜ୍ଟି ହେଉଛି, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ CEO ଅଫ୍ ପେଟିଏମ୍, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟିଏମ୍ରେ CEO କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ CEO ଅଫ୍ ପେଟିଏମ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।